नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। घरौंदा में बहेड़ा गांव के नजदीक बांध टूटने से प्रशासन हुआ है सतर्क। विधायक अरविंद कल्याण ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। ग्रामीणों के साथ साथ झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों में बना है दहशत का माहौल। आप देख रहे हैं घरौंदा पल पल से अनिश कौशिक की ये रिपोर्ट। ग्रामीणों ने कहा कि पानी अगर अधिक छोड़ा गया तो बांध टूटेगा और यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। बांध टूटने के बाद मैं बाढ़ के खतरे से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के लिए ब्लड टेस्ट। विधायक ने दावा किया है कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है, हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन है मुस्तैद। आपको बता दें कि बहेड़ा गाँव में यमुना का बांध टूटने के बाद में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। हेवर्ट चेयरमैन और हल्का विधायक अरविंद कल्याण ने बहेड़ा गाँव में पहुँच करके यमुना की स्थिति का जायजा लिया है। अरविंद कल्याण ने प्रशासनिक अधिकारियों को हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। हथनी कुंड बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद में प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जेसीबी और पोलेन डंफरों ट्रैक्टर ट्रालियों और सैकड़ों मजदूरों के साथ यमुना पर तैनात किया है। आपको बता दें कि गत दिवस रात को करीब 12:30 बजे बहेड़ा के पास में यमुना तटबंध में दरार आ गई और सारा पानी खेतों में घुस गया था। खेतों के जरिए पानी साथ लगती झुग्गी झोंपड़ियों और बस्तियों तक पहुंच गया। पानी घुसते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और डर का माहौल पैदा हो गया। गांव के सरपंच ने प्रशासनिक अधिकारियों से तटबंध की सूचना दी और प्रशासन ने के नुमाइंदे मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के साथ मिलकर के बांध को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। खेतों में पानी घुसने से किसानों में भी रोष है और दर्जनों एकड़ भूमि बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बांध को दोबारा से बनाया नहीं गया और वह टूटता है तो भारी नुकसान होगा, कोई भी झुग्गी झोंपड़ी नहीं बचेगी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोपहर को बहेड़ा में झुग्गियों में पहुंची और वहां के ब्लड स्लाइड तैयार की। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के अनुसार स्थिति अभी नियंत्रण में है। मलेरिया की स्लाइड तैयार की गई है। बहेड़ा गाँव में यमुना नदी का मुआयना करने के बाद में विधायक अरविंद कल्याण झुग्गियों में पहुंचे और ग्रामीणों को हालचाल जाना। विधायक ने तुरंत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरी तरह से मुस्तैद रहें। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने बताया कि यमुना का जल स्तर नियंत्रण में है, हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला में तैनात किया हुआ है। बांध टूटने के बाद में खेतों में पानी घुस गया जिससे कई जगह पर कई एकड़ भूमि में पानी फैल गया और फसलों को नुकसान पहुँचा है। उन सभी की गिरदावरी करवाई जाएगी और मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। जी सब सिंह, गांव में कैसे पानी आया? पानी तो पाइपलाइन थी आने बंदे के नीचे, पाइपलाइन में पानी निकल गया जी। उसके साइड में उसकी अनदेखी करी गई जी। मौके पर चल जा बात संभाल रखे तो संभल लिया। प्रशासन मौके पे पहुंच गया था? प्रशासन बाद में आया, थोड़ा ज़्यादा तो लेट नहीं होया जी। पता लग गया प्रशासन भी आ गया जी। भारी दिक्कत हो, मैंने इसीलिए कहा भाई हमारे लिए बोलना बड़ा भारी मुश्किल है, पर मैं क्योंकि किसी चीज के मैंने गांठ खोल नहीं, गांठ तो जी खुलेगी, जब कोई रास्ता खुले उसका बनेगा। जैसे पानी आया 3-4 दिन तो बरसात होती रही, बच्चे उसमें परेशान रहे, ऊपर से पानी आ गया उसकी वजह से बच्चे और भी ज्यादा परेशान हो गए। और रात तो ऐसा हो गया बच्चे ऐसे बोले यहाँ से कहीं लिकट जाए उठा के, जैसे दुनिया में हमारा कोई है ही नहीं, ऐसा हुआ हमारे साथ में। बच्चे घबरा गए ज्यादा, ये इधर से उठा के बांध पे गिरे तो बांध पे जाके देखा उन्होंने और भी ज्यादा पानी, उससे ज्यादा और भी ज्यादा घबरा गए। उसके बाद में हमारे पास में घर आते हैं तो बिजली नहीं है, गर्मी में परेशान है, बस परेशानी परेशानी है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। कितने परिवारों ने यहाँ से पलायन? परिवार कम से कम 60 घर हमारे यहाँ है। 60 घर कितने परिवार? उसमें होंगे 60 घर में कम से कम 200-250 आदमी तो हमारे हैं, बच्चे भी हैं जी। 200-250 बच्चे वो बड़े लेडीज सभी, मतलब 200-250 आदमी हमारे यहाँ पे मौजूद है। आपसे बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, बच्चे स्कूल में भी जाते हैं और बच्चे सरकारी में भी जाते हैं और
मदरसे में भी जाते हैं, हमारे यहाँ मस्जिद बनी हुई है, बच्चे मस्जिद में भी पढ़ते हैं। हमारे सरकारी योजनाओं का लाभ है जो स्कूलों को मिलता है क्या? वो खूब मिलता है जी। और हमारे मीटर भी लगे हुए हैं, मीटर को लगे को भी कम से कम यहाँ हो गया हमारे को 6-7 साल, लेकिन उनमें बिजली नहीं है, ना बिजली हमारे को दी जा रही है। कितने परिवार यहाँ से चले गए? वैसे परिवार यहाँ से कम भाग के जो कल से अब तक गए हैं ना, तो 40 परिवार यहाँ से डर के घबरा के निकल गए हैं। कितने व्यक्ति थे? होंगे तकरीबन 60-70 उनके परिवार घरों में 60-70 परिवार यहाँ से कल से निकल गए हैं। निकल गए। और हमारी भी तैयारी है जाने की, अगर ऐसा रहेगा तो जी। बस ये है, सड़कों पे गिरेंगे और क्या होगा। आज विधायक ने दौरा किया, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है विधायक साहब ने जी। देखो उन्होंने पहले ही हमारी मदद करी थी जी, लेकिन अभी भी कह गए हम मदद करेंगे जी। विधायक साहब हमारे पास तो आए कम से कम देखने के लिए, आज तो आ गए, पहले कभी कोई नहीं आया देखने के लिए। बस जब आते हैं जी वोट डालने का लम्बा रहता है, उसके बाद में कोई नहीं आता। 30 साल पानी टूटा है खेतों में जी, तो उसमें सारे इंतजाम किए जा रहे हैं जी, और आपात स्थिति में सारे इंतजाम हैं यहाँ पर, प्रशासन मुस्तैद है पूरे तरीके से जी। और रात भी सब जो चाहे मिट्टी डालने की बात है, चाहे कट्टे वगैरह डालने की बात है, सारी कार्रवाई रात को चली है जी। अभी भी स्टॉक में काफ़ी कट्टे ऐसे रखे हुए हैं कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी आए तो वो सब मौके पे इस्तेमाल हो सके, चाहे पंप की ज़रूरत है, चाहे जेसीबी मशीन की बात है। पूरी रात की पेट्रोलिंग और रात की जो अलग से एक टीम बनाई हुई है और एक ग्रुप भी ऐसा बनाया हुआ है जिसके अंदर सभी का तालमेल आपस में हो सके, तो वो मैंने अभी अधिकारियों से बात की है कि कहीं भी अगर इस तरह के इंतज़ाम में कोई कमी है तो उसको अपडेट किया जाए और सारी चीज़ों को पूरे दुरुस्त करते हुए और पूरी मुस्तैदी पूरी बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी जमुना का वैसे तो पानी का जो स्तर है वो नीचे आया है, फिर भी हमारी मुस्तैदी उसी तरीके से रहनी चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी मौसम में बदलाव आ सकता है। हमें हर तरीके से हर स्थिति में हमें सजग रहना है। और जहाँ तक नुकसान की बात है, कल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है और उन्होंने निर्देश दिया है कि इसकी गिरदावरी करा के जो भी नुकसान होगा उसका मुआवजा दिया जाएगा, सरकार मुआवजा उसमें देगी। उसमें जितना भी एक किया जा सकता है वो आपसी तालमेल में, चाहे उसमें प्रशासन है, चाहे विभाग के अधिकारी हैं या गाँव के लोग हैं, ऐसे में सभी का तालमेल अच्छा हो और मिलके कोई भी ऐसी स्थिति बने तो उसको किस तरीके से ज़्यादा बचाव किया जा सके वो ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये सब कुछ दिनों का जो बरसात का टाइम है, हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह की किसी भी ग्रामीण को, किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके की दिक्कत ना आए, उस तरीके से सरकार की तरफ से पूरे सख्त निर्देश। विधायक, बाढ़ की स्थिति जो है उससे पहले जो इंतजाम करने वाले होते हैं वो किए जाते हैं, कहीं स्टड बनाने की बात है, कहीं और इस तरीके की जो समय पर जो सरकार की ग्रांट उसमें बोर्ड से पास होती है वो पैसा लगता है, पर क्योंकि ये विषय क्योंकि बरसात का ही है तो जब बरसात आती है तो उस वक्त सारे स्थिति पे ध्यान रखा जाता है। और रात भी जो मुझे जानकारी मिली है कि जो मुझे सरपंच ने और बाकी ग्रामीणों ने बताया है कि जैसे ही इन्होंने जानकारी दी उसके कुछ समय के बाद अधिकारी और सब यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और ग्रामीणों ने सब ने मिल के यहाँ पे चाहे कट्टे लगाने की बात है, चाहे मिट्टी डालने की बात है, सब ने मिलकर स्थिति को संभाला है। तो इस तरीके से सारे सजग हैं इस कार्य, इसमें लापरवाही हम नहीं कह सकते, क्योंकि पुराने समय में यूपी ने उस कार्य को किया, अगर उस समय यहाँ हो जाता तो यहाँ भी हो सकता था। अभी सारे कदम उठाए जा रहे हैं और इसके ऊपर सरकार गंभीरता से विचार भी कर रही है कि इसमें और क्या सरकार इसमें और बेहतर क्या कर सकती है। बाकी जहाँ तक स्टड की बात है, स्टड तो हर साल रिपेयर भी करने पड़ते हैं और जहाँ कोई ऐसा नया पॉइंट तैयार होता है जहाँ पे कोई बाढ़ के खतरे वाली बात है या कोई कटाव ज़्यादा हो जाता है वहाँ नए स्टड भी बनाए जाते हैं, तो ये तो एक नियमित प्रक्रिया हर वर्ष की है जो कि एक चलती रहेगी जब तक इसका कोई बड़ा समाधान ऐसा कभी जो भी होगा तब तक तो ये प्रक्रिया इसी तरीके से है और इसको बेहतर तरीके से किया जाए उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है।